नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मंडी भाव किसान भारत में। किसान साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं लहसुन को ख़राब होने से बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, उसके बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो लहसुन को ख़राब होने से बचाने के लिए आपको खेत से ही काम स्टार्ट कर देना होगा। जैसे कि देख सकते हैं आप कि ये जो हमने लहसुन उखाड़ी है, तो इस लहसुन को आपको अधिकतर किसान क्या करते हैं, बेचने के लिए हथौड़ा काट देते हैं और मंडी में ले जाकर बेच देते हैं एक दो दिन रखने के बाद। लेकिन हमें इसको सुरक्षित रखना है अगर, तो करना क्या है कि आप इस तरह से इनका गुच्छा बनाइए और या तो लहसुन के ही किसी एक डंठल से इसको बांध दीजिए और इसको आप कहीं पर भी हवादार स्थान पर रख दीजिए, जिससे कि आप बहुत दिनों तक ये इसको सुरक्षित रख पाएंगे। इस तरह से आप एक गुच्छा बना लीजिएगा और ये याद रखिए कि एक के ऊपर एक न रखें, बल्कि इस तरह से एक के बाद एक या फिर इस अनुपात में आसपास में रखें, जिससे कि डंठल जो हरा है उसके कारण जब तक ये न सूखेगा तब तक लहसुन में तेज नमी बनी रहेगी और जल्दी से सूखेगा नहीं, और कम से कम एक डेढ़ महीना तक तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और अगले एक महीने तक भी ख़राब होने के चांस बहुत कम रहेंगे। वहीं अगर आप इसको काट कर रख लेते हैं तो इसके गर्मी के दिनों में फिर धीरे धीरे सूखता जाएगा और ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। अगर आप बाद में बेचना चाहते हैं तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा।